राम मंदिर की भव्यता देख झूम उठा मुस्लिम समाज। 22 मुस्लिम परिवारों ने दिया दान। मुस्लिम इकरा ने हाथ पर लिखवाया प्रभु श्री राम का नाम। कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसका काम अंतिम दौर में है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विशाल कार्यक्रम रखा गया है। 22 जनवरी को लेकर सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में तैयारियां की जा रही है। देश के कोने कोने में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आलम यह है कि खुद देश के प्रधानमंत्री को जनता का उत्साह देखकर अपील करनी पड़ गई, वो भी हाथ जोड़कर कि जितने उत्साहित आप हैं उतना ही मैं भी हूं, लेकिन आप लोग 22 जनवरी को अयोध्या मत आइएगा। सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। भव्य राम मंदिर को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि कुछ मुस्लिम परिवार भी इस जश्न का हिस्सा बनकर काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि 22 मुस्लिम परिवारों ने राम मंदिर के लिए दान दिया। इन्हीं परिवारों में एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम इकरा है, उसने तो 11,000 रूपए सहयोग राशि के तौर पर दान दिए है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर इस खबर की चर्चा हो रही है। जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब का परिचय मुस्लिम परिवारों ने दिया वो काबिले तारीफ है। सच बात तो ये है कि नेता राजनेता भले ही हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो, लेकिन आम जनता मिलकर एक दूसरे की खुशी में शामिल होती है। हाल ही में सपा नेता शफीकुर रहमान का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने राम मंदिर जाने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मेरी तो मस्जिद शहीद हुई है, मैं मंदिर क्यों जाऊंगा। मंदिर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बनी कि एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। भाई दुनिया क्या है? सुना आपने सपा नेता कैसे अपना दुखड़ा रो रही हैं और दूसरी तरफ ये 22 मुस्लिम परिवार हैं जो राम मंदिर के लिए दान दे रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से जानकारी मिली है जिसके मुताबिक काशी प्रांत के 22 मुस्लिम परिवारों ने राम मंदिर के लिए जमीन दान दी है। इन्हीं परिवारों में एक मुस्लिम लड़की इकरा अनवर खान भी शामिल है। इकरा ने साल 2021 में 11,000 रूपए सहयोग राशि के तौर पर अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्य में दिए थे। इसी की चर्चा आज भी होती है। इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि बनारस की रहने वाली इकरा अनवर खान ने अपने हाथों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखवाया है। इकरा एक वेल एजुकेटेड लड़की है जिन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की है। इस पूरे मामले पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा
ये सोच राष्ट्रीय एकता में बाधा बनने वाले विचारों को न केवल खत्म करने वाला साबित हुआ बल्कि उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूत कर दिया। हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो सभी जात पंथ संप्रदाय को जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में राष्ट्र नायक के तौर पर जाने जाते हैं और ये प्रमाणित भी हो चुका है कि श्री राम जन्मभूमि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वास्तविक रूप को भी चरितार्थ कर रही है। वैसे राम मंदिर के लिए जिस तरह से इन मुस्लिम परिवारों ने दान दिया उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर। देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, एक साल के बाद आए, दो साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा।